अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉइंट नीमू। जी हाँ मेरे दोस्तों, ज़मीन पर ऐसी जगहें हैं जो बहुत दूर खौफनाक और इंसानों के लिए अभी तक पुरसरार है। कहा जाता है कि आज तक किसी मुहिम जो इंसान ने इस जगह का दौरा करने की हिम्मत नहीं की। आइए एक ऐसी जगह के बारे में बात करते हैं जो अपने अंदर फितरत के राज छुपाकर बैठा है। पॉइंट नीमू जमीन पर सबसे दूर दराज जगह है। ये वो जगह है जहाँ हर सिमत में हजारों मील तक कोई जमीन मौजूद नहीं है। इसको ओशियनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी कहा जाता है, बसूरत दीकर पॉइंट नीमू के नाम से जाना जाता है। ये सियारे के पानी पर सबसे दूर दराज जगह है जहाँ दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात पर है। इसे खलाई जहाजों का कब्रिस्तान कहा जाता है, जो साइंसदानों के लिए तजुर्बेगाह है, अफसानवी समंदरी मखलूक के लिए पनाहगाह है। पॉइंट नीमू के करीब तरीन लोग बैन अलावा खलाई स्टेशन में इंसान हैं, जो इससे तकरीबन 300 किलोमीटर दूर हैं। पॉइंट नीमू 1997 में उस वक्त एक मामा बन गया जब साइंसदानों ने पानी के अंदर दो इंतहाई तेज आवाजें रिकॉर्ड की। ये जानकर हैरत हुई कि ये आवाजें 3000 मील के फासले पर रखे गए दो माइक्रोफोन्स के जरिए रिकॉर्ड की गई हैं। 3000 मील के फासले पर अलग होने वाले दो माइक्रोफोन्स के जरिए इन्हीं आवाजों को रिकॉर्ड करना एक मामा बन गया। बसाहिर इस शिद्दत की आवाज पैदा करने के लिए कुछ बहुत बड़ा होना जरूरी था। इस आवाज को दीबलूप कहा जाता था और कुछ ने इसे अजीम तुलू की बेदारी की चीख के नाम से पुकारा था। थुलू का तस्करा सबसे पहले अमरीकी मुसन्निफ ने 1926 में द कॉल ऑफ थुलू के उनवान से किताब में किया था। किताब में एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का जिक्र किया गया है जो बहरुल काहिल में पानी के अंदर रहता था। वहाँ समंदर के नीचे रहने वाले देव हैकल इफ्रीत का तस्करा बहुत सी तारीखी कहानियों और समंदरी लोगों की लोक दास्तानों में मिलता है, जिनमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बहुत कुछ शामिल। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस मुकाम के करीब एक शहर हुआ करता था। आवाजों की मुतय्यन पोजीशन वही थी जो 70 साल पहले बताई गई थुलू की थी। लोगों का ख्याल है कि बैन अलावामी एजेंसियां खौफ हरास से बचने के लिए इसकी हकीकत छुपा रही हैं। इस इलाके को खलाई जहाजों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। 1997 से खलाई जहाजों को इधर गिराया जाता है। अब ये जगह तकरीबन 270 खलाई जहाजों की कब्र है, जिनमें रूसी खलाई स्टेशन मीर और अमेरिकन स्काईलैब शामिल है। सबसे बड़ा बैन अलावामी खलाई स्टेशन भी सन 2030 में इस जगह से टकरा जाएगा। चाहे ये जगह खलाई स्टेशनरों का कब्रिस्तान हो, समंदरी लोगों का मुकदस मुकाम हो या थुलू नामी अफ्रियत का घर हो, कोई इंसान इस जगह पर कभी नहीं गया। मैं इस जगह नहीं जाना चाहता, क्या आप इस जगह जाना चाहते हैं? इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें,